नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। भारत फ्रांस के बीच हर साल होने वाली रक्षा वार्ता के लिए दिल्ली आई फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले। फ्लोरेंस का लगातार तीसरा ये वार्षिक दौरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से रक्षा सौदे पर हुई अहम बातचीत। भारत फ्रांस के बीच 2016 में हुआ था करीब 9 अरब डॉलर का राफेल समझौता। हांगकांग में नए चुनावी नियमों के तहत संसदीय चुनाव हुए, रविवार को मतदान हुआ। चुनावी नियमों में बदलाव के बाद हांगकांग के नागरिकों को अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए बढ़ाई गई शक्तियां। 2019 में हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के बाद बदले गए थे चुनावी नियम। चिली में चुनाव में बढ़ सकती है राष्ट्रपति सेबेस्टियन की मुश्किलें। मुख्य विपक्षी राष्ट्रपति उम्मीदवार जो सैंटिनियो कास्ट की चुनावी रैली में समर्थकों का भारी हुजूम दिखा। राजधानी सेंटियागो में लंबे अरसे से मौजूदा राष्ट्रपति के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है। जापान के पश्चिमी शहर ओसाका में बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 8 मंजिला इमारत की चौथी मंजिल पर एंटरटेनमेंट एरिया में लगी आग, 23 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलीपींस में राई तूफान से 3 लोगों की मौत, 3,00,000 लोगों को बचाया गया। भयानक तूफान में 215 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। तूफान और बाढ़ में कई मकान धराशाही हुए। ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी कासल हादसे में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। स्कूल के फेयरवेल में बाउंसी कासल पर खेल रहे बच्चे शिकार हुए थे। 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी। तेज हवा के झोंके चलते हवा में उड़ गया था बाउंसी कासल, जिससे बच्चे गिर गए थे। जापान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला दर्ज हुआ। एक महिला की जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन का पता चला। संदिग्ध लोगों की भी जांच की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में पहली बार दर्ज हुए 2,200 से ज्यादा नए कोरोना मामले। 215 को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इससे पहले सितंबर में एक दिन में 700 से ज्यादा मामले आए थे। ब्रिटेन में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में HSBC बैंक पर 8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया। ब्रिटेन के फाइनेंशियल रेगुलेटर FCA ने लगाया जुर्माना। इससे पहले आर्थिक धांधली में HSBC की सहयोगी रिटेल कंपनी नेटविस्ट पर भी 26 करोड़ पाउंड का जुर्माना लग चुका है। बोस्निया की राजधानी सराजेवो में आयोजित फैशन शो में दिखा शरणार्थी कलाकारों का रंग। सिटी हॉल में शरणार्थियों के हाथों बने आभूषण पहने दिखी मॉडल्स ने किया रैंप वॉक। EU की एक रिपोर्ट के अनुसार बोस्निया में रहते हैं 4,000 शरणार्थी। 19 दिसंबर को यहां मनाया जाता है प्रवासी दिवस। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ने से चिंता और बढ़ गई। इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि इस बार ठंड में ओमिक्रॉन से स्थिति और भी गंभीर होगी। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन एक बार फिर दुनिया को डरा रहा है। ये वेरिएंट पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में चिंता बढ़ गई। ब्रिटेन में लगातार बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण के बाद जनवरी के महीने में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। वहीं अमेरिका में भी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओमिक्रॉन को लेकर चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा, Due to the steps we've taken, Omicron has not yet spread as fast as it would have otherwise done, and that's happening in Europe. But it's here now, and it's spreading, and it's going to increase. For unvaccinated, we are looking at a winter of severe illness and death for unvaccinated. For themselves, their families, and the hospital, they'll soon overwhelm. साथ ही जो बाइडेन ने अपने देश के नागरिकों को ओमिक्रॉन से सतर्क रहने और तेजी से वैक्सीनेशन करवाने के लिए भी कहा, ताकि इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने अमेरिका के 36 राज्यों में ओमिक्रॉन के मिलने की पुष्टि की है, जिसके बाद बाइडेन ने कहा कि देश ओमिक्रॉन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और लोगों को बूस्टर डोज भी दी जा रही है। बता दें कि 1 दिसंबर तक अमेरिका में जहां रोजाना औसतन 86,000 के करीब नए मरीज आ रहे थे, वहीं 14 दिसंबर तक ये संख्या 35% बढ़कर 1,00,000 से ज्यादा हो गई। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अमेरिका इस समय कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां रोजाना औसतन 1,000 के करीब मौतें हो रही हैं। आज तक ब्यूरो। और आइए अब रुख करते हैं अंतरिक्ष से जुड़े एक दिलचस्प खबर का, जहां चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस में वॉकआउट किया।
चीन के अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने के मिशन पर गए इन यात्रियों ने जमकर कसरत करके सबको चौंका दिया। ये दिलचस्प तस्वीरें चीनी अंतरिक्ष स्टेशन शेंजो 13 की हैं, जिसे 16 अक्टूबर को अंतरिक्ष में भेजा गया था। देश के सबसे लंबे स्पेस मिशन पर गए ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स नियमित रूप से वर्कआउट कर रहे हैं। आपको बता दें कि मानव शरीर अंतरिक्ष के लिए नहीं बने हैं और अंतरिक्ष यात्रियों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का खतरा बना रहता है, इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों का नियमित रूप से व्यायाम करते रहना जरूरी है। और इन सभी ने स्पेस शटल में इस तरह से व्यायाम किया।